चकवाल सोशल फोरम के जरिए तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के क्याम के सिलसिले में एक बड़ी भरपूर तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत मेजर जनरल यकूब अली ख़ान ने की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के सिंडिकेट मेंबर भी हैं। तो जबकि एक दूसरे सिंडिकेट मेंबर मोहम्मद ताहिर रफीक भी इस मौके पर मौजूद थे, और ये चकवाल यूनिवर्सिटी के हवाले से जिन्होंने कोई काम किया है उनकी खिदमात के इतराफ़ में ये तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो इस तकरीब के दूल्हा सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर सरफराज थे, जबकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन सरदार अफताब अकबर ने भी शिरकत की। दीगर शुरका में सरदार नजफ हमीद, ब्रिगेडियर नजफ अली खान, दफर शाह और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल गुलाम मोहम्मद जकड़ ने खताब किया और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ के बारे में आगाह किया। इस दौरान राजा यासर सरफराज ने बड़ी पुरमगज गुफ्तगू की, यह ज़रा उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को ऑनर किया, इस प्रोजेक्ट को ऑनर किया और यहाँ पे आप सबको गुरु किया। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया जा सके, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात की जा सके। जैसे कि सेक्टरी साहब ने पहले तकरीर करते हुए कहा कि मेरे ये दिल के बहुत करीब प्रोजेक्ट है और इसके लिए बेचैन का ये जब तक, और मेरी गवर्नमेंट में आने में सबसे बड़ी दिलचस्पी यही थी कि किसी का ये एक अचीवमेंट हो जाए, पर्सनल अचीवमेंट की बात करें। तो मैं ये चाहता था कि इससे पहले मुझे स्कूल के सियासी हालात का कोई पता नहीं होगा, तो सबसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये काम ट्रैक पर चला जाए। और आज मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह की फजल से यूनिवर्सिटी अपने जो तमाम उसके काम हैं तो ना सिर्फ ऑन ट्रैक है बल्कि टेक ऑफ कर चुकी है, और इंशाल्लाह उसको कोई प्रोजेक्ट खुद बहुत इंशाल्लाह चलता चला जाएगा।